They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning. So guys, beginner to advanced workout series का day 117 आज हम करने वाले हैं, जिसमें करेंगे back, bicep and core. और आज last time हमने जो back bicep करा था उसमें rack pull से start करा था, अभी हम lat pull down से start करने वाले हैं. तो पहले प्रॉपर वार्म अप करते हैं, पुल अप्स लगाते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue. So guys, वार्म अप कंप्लीट हो गया, पुल अप्स भी लगा है, 3 सेट पुल अप्स के लगा है, और रेपिटेशन आपके अकॉर्डिंग, आपकी जितनी स्ट्रेंथ हो उतना आप रेपिटेशन कर सकते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला है लैट पुल डाउन, और स्टार्टिंग वेट में 59 केजी ले रहा हूं. लास्ट टाइम हमने 59 केजी पे लास्ट करा था 12 रेपिटेशन, तो अभी 59 से स्टार्ट करते हैं. और वेट लगता नहीं बढ़ेगा, कोशिश करेंगे, अगर बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, नहीं तो सेम वेट पे रिपीट कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages, 5-10 year plans are contagious. Let's pull down hamara complete ho chuka hai, jisme humne 3 set pure complete kare. 59 kg से स्टार्ट करा था और तीनों सेट 59 kg पे हो गए. थोड़ा सा वेट मुझे हेवी लगा, और नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक प्लेट कम करके अगर उस पर रेपिटेशन अच्छा आते हैं तो फिर वेट इंक्रीज करूँगा. अभी मैंने वेट कम नहीं करा, 59 पे 3 सेट करें. सो नेक्स्ट हम बाइसेप करने वाले हैं. बाइसेप में हम करने वाले हैं स्पाइडर कर्ल, और इसके बारे में मैंने day 107 में आपको बता रखा है, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कैसे करना. अभी स्टार्टिंग वेट में 15 केजी ही ले रहा हूँ. लास्ट टाइम भी हमने 15 केजी पे 3 सेट करे थे, अभी 15 केजी कर ले रहा हूँ. अगर लगेगा तो 20 करेंगे, नहीं तो सेम वेट पे रिपीट करेंगे. 12 से 15 रेपिटेशन आप कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. So guys, spider curl भी हमारा complete हुआ, और 15 kg पे 12 repetition, फिर weight increase करा 20 kg पे 12 repetition. काफी अच्छा pump मिला है bicep में. So next वापस हम back करने वाले हैं, जिसके अंदर करेंगे हम single hand D grip pull down, और इसको हम lat pull down पे भी perform कर सकते हैं, या फिर cable cross वाली cable पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. अभी लैट पुल डाउन में ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको सीटिंग अच्छी मिल जाएगी. तो अभी मैंने डी ग्रिप लगा ली है, और वेट बहुत कम ले रहा हूँ, 11 केजी ही ले रहा हूँ, क्योंकि सिंगल हैंड की स्ट्रेंथ है, दोनों हाथ अगर यूज़ होते हैं तो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है. तो देखते हैं ये कैसे करना है. लाइट वेट लेना है, और जैसे लैट पुल डाउन में हम बहुत आगे की तरफ बैठते हैं, पूरा आगे की तरफ, इसमें थोड़ा सा आप पीछे आ जाइए, ठीक है, इतना पीछे आ जाइए, और यहाँ से पूरा आपको पुल करना है जितना पीछे तक जाए, और फिर रिलीज करना है, ठीक है. 1 पूरा नीचे तक लाए, यहाँ तक आया, और फिर रिलीज, नीचे लाए, रिलीज, ऐसे 12 रेपिटेशन के इच हैंड पे 12 से 15 रेपिटेशन आपको करने, 3 सेट टोटल करने. सो स्टार्ट करते हैं. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages, 5-10 year plans are contagious. I attack. सो गाइस, सिंगल हैंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर मैंने 11 केजी का वेट लिया था, 12 रेपिटेशन, उसके बाद एक प्लेट मैंने इंक्रीज करा, थोड़ा लाइट लग रहा था मुझे, तो 18 केजी पे 12 रेपिटेशन के फिर 2 सेट लगा, टोटल 3 सेट लगा, काफ़ी अच्छा लोड आया. नेक्स्ट हम करने वाले वापस बाइसेप. बाइसेप के अंदर हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कर, ये काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है, ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज भी बोलते हैं हम इसको, और काफ़ी अच्छा पंप भी मिलता है.
ये कैसे करना है, आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी इसके बारे में कैसे करते हैं, एक बार मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो कोई सी भी आप बेंच ले लीजिए जो आपकी सिटिंग पोजीशन वाली हो, और एक पैर जिस हाथ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड वाला लेग आप स्ट्रेट रख लीजिए, राइट हैंड वाला ऐसे रख लीजिए। टोटल 90 डिग्री एंगल हो गया यहाँ पे हमारा। उसके बाद आप डम्बल्स ऐसा चूज़ करिए स्टार्टिंग में जो आपके लिए आसानी से 12 या 15 रेपिटेशन कर सके। तो मैं 7.5 केजी ले रहा हूँ, बढ़ेगा तो बढ़ा लेंगे। एक बार स्टार्टिंग जो भी नई एक्सरसाइज होती है उसमें लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो हमारा आर्म्स वाला हिस्सा है ट्राइसेप वाला, वो आपका यहाँ रहेगा थाई के यहाँ पे। थाई से ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है। यहाँ एल्बो से थोड़ा सा ऊपर वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ पे आपका थाई के यहाँ रखाएगा, ठीक है। उसके बाद डम्बल्स को आपको कर्ल करना है और स्लो रिलीज करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पोस्चर का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड से करना था, लेफ्ट हैंड पे ही आ गया, राइट हैंड पे करना है तो राइट हैंड इधर आ गया, लेफ्ट हैंड इधर चले गया और 90 डिग्री का एंगल हो गया। सेम ट्राइसेप के यहाँ वाला हिस्सा आपकी थाई के यहाँ रखाएगा और फिर कर्ल करना है। सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। एक बार मैं डम्बल्स के साथ में परफॉर्म करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाला लेग आ गया, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करने वाले हैं। डम्बल की ग्रिप पकड़ी सेंटर से, यहाँ पे हाथ रखा। आप चाहें तो फेस उधर भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेक पे स्ट्रेन आएगा तो आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, नेक की थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं। नीचे रखा आपने हाथ। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ज़्यादा हाथ को ऐसे एंगल में बाहर नहीं रखना है, ज़्यादा अंदर भी नहीं रखना, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ये ऊपर आया कर्ल करते हुए, नीचे स्लो। 1 They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out. So guys, aaj ke day ki last exercise hai back ki, hyper extension karne wale hain. Kaafi time baat kar rahe hain, 10 kg weight le raha hu, 12 se 15 repetition aapko karne प्रॉपर करें। लास्ट में इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाइपर एक्सटेंशन में लास्ट सेट मैंने 15 केजी पे करा, दो सेट 15 केजी पे, एक सेट 10 केजी पे करा। 12 रेपिटेशन करे, अच्छा सेट था। लास्ट एक्सरसाइज आज के डे की सुपर सेट में होने वाली है, और इसमें हम करेंगे रिस्ट एक्सटेंशन, और इसको डे 74 में मैंने बता रखा है कैसे करना है। और इसके साथ में हम नी अप करेंगे, हैंगिंग नी अप, और उसके बारे में मैंने 107 डे पे बता रखा है, तो वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Hanging knee up karna hai super set mein, day 107 mein maine bata rakha hai kaise karna hai, wahan ja ke check kar sakte. So start karte hain. Figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ, काफी अच्छा वर्कआउट था। लास्ट में जो मैंने एक सुपर सेट बनाया था वो इसीलिए हैंगिंग नी रेस्ट दिया, ताकि आपका जो रिस्ट एक्सटेंशन है उसके साथ जब आप हैंगिंग करेंगे तो आपकी रिस्ट, मतलब फोरआर्म की स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ेगी, ग्रिपिंग भी बढ़ेगी, इसलिए मैंने हैंगिंग नी रेस्ट दिया। इन केस कभी नहीं हो पाता है तो आप उसको 3 सेट को 4 या 5 सेट में डिवाइड कर दीजिए, फिर आप परफॉर्म कर लीजिए। सो आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ। प्रॉपर स्ट्रेचिंग करेंगे, लोअर बैक की स्ट्रेचिंग भी अच्छे से करिएगा, और कल हमारा लेग डे है तो मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
mask with all I've been through. I've been making changes for the ages, 5, 10 years.